गुरु जी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरु जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या भाई बहन का नाम राधा और कान्हा रखा जा सकता है? होते हैं क्यों नहीं भाई बहन का नाम। अब कोई पिता ने पहले नाम कृष्ण रख दिया बेटे का, बाद में हुई तो राधा रख दिया, ठीक है। और मेरा एक इच्छा है आपसे। बोलो, क्या आप उसे पूर्ण करेंगे? बोलिए। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपके चरण धूल के आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है। अभी गुरु तो कल गुरु मंत्र देंगे। हाँ। तो कल जब गुरु मंत्र लेंगे तब फिर आगे जो भी आपका मन है वो आप गुरु मंत्र जब लेंगे तभी आप कर लीजिएगा। और मेरे पापा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सिगरेट पी लेते हैं। कहाँ? दिन में एक दो बार पी लेते हैं। थोड़ा आप उन्हें बता दीजिए सिगरेट अच्छा नहीं होता है। उन्हें तो खुद पता होगा कि अच्छा नहीं होता, पता है? आप बता दीजिए गुरु। क्या नाम है उनका? मिस्टर राम बैसनी साहब। आपको पता है कि सिगरेट अच्छी होती है कि नहीं? अंदर आ जाओ, अंदर आओ फास्ट। चलो तब तक इनसे बात कराओ भैया से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता, सब ठीक है? परेशान हूँ 3 साल से। किससे परेशान हो? प्रेतांश। प्रेत? प्रेत से परेशान हो? कुछ काम धाम करते हो? नहीं, करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो जब कुछ काम धाम नहीं करोगे तो प्रेत परेशान करेंगे? बिजी रहोगे तो प्रेत सोचेंगे भाई ये बिजी आदमी, इसको क्यों परेशान करना। नहीं महाराज, इससे पहले फ्री मिल गए तो प्रेत को लगा चलो यही है मुग्घा। कोई चीज खाता हूँ शरीर में जान नहीं बनता है। कोई चीज खाता हूँ शरीर में जान नहीं बनता है। क्या खाते हो? कोई भी चीज खाता हूँ। तो क्या क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी कोई भी चीज। मांस भी तो खाते हो? अंडा? सही बताओ। सही नहीं खाने खाते। और शराब पीते हो? नहीं। और सिगरेट? नहीं। और गांजा? नहीं। सही बताओ। सही बोला, तम्बाकू खाता हूँ बस। बस पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हो? 6 तक किया। 6 तक? तो अभी भी आपके अंदर कोई भूत ऊत है? नहीं, लेकिन खाता हूँ शरीर में लगने लगता है। नहीं, खाता हूँ नहीं लगता तो आपने मान लिया कि प्रेत है, प्रेत खा जाता है। फिर जितने दुबले पतले हैं सब यही मान ले, आपके बगल में पाठक खड़ा है। वो तो ठीक है महाराज, भी दुबला है। कोई भी चीज खाता हूँ शरीर में, मेरे शरीर में जान नहीं बनता है पूरी तरह से। जान नहीं बनता मेरे शरीर में पूरी तरह से। अरे जान नहीं बनता, वो दूसरी बहुत सारे कारण होते हैं। हम खाते हैं अंग नहीं लगता, मतलब बहुत सारा खाया पिया भी खून नहीं बनाता, बॉडी डेवलप नहीं होती, उसके बहुत सारे डॉक्टरी कारण हैं। तो अच्छा इलाज कराओ ठीक हो जाएंगे। कोई चीज इनको बोला था तो बोलने चलो। अब कोई दुबला पतला है तो कह रहे हो भूत लगे हैं, तब यही सब भूत खा जा रहा है। अच्छा घर वालों को परेशान क्यों करते हो? नहीं करता, घर वाले खुद चिड़चिड़ापन देते हैं मुझे। अरे मेरे भाई, जब कुछ कमाओगे धमाओगे नहीं। कमाता था इससे पहले से। क्या कितना कमा लेते हो रोज का? अब तो परेशान हूँ तब से नहीं कमा रहा हूँ, इससे पहले कमाता था। पहले कितना कमाते थे? मैं महीने में 10,000-14,000 ऐसे काम हो जाता था। कुछ अपना काम करो, बिजनेस करो। भूत लिए कब तक घूमोगे? कोई नहीं घूमता महाराज भूत लेके, किसको शौक लगा कोई भूत लेके घूमेगा? जब शरीर गवाही करेगा दिमाग करेगा तभी तो अगला काम करेगा। तो तुम मेहनत करो बेटा, पैसा कमाओ, उसके लिए मेहनत करो, कुछ काम करो, घर में फुर्सत ना बैठो। महाराज जी, मैं इससे पहले कमाता था। शैतान का है वो तो है। आप देखो, जब तक कुछ करोगे नहीं, जब तक कहीं बिजी नहीं होगे तब तक आप परेशान रहोगे और औरों को रखोगे। महाराज देखिए, किसी को कोई शौक नहीं रहता कि वो बैठे ऐसे कोई काम ना करे। तो कुछ करो ना। काम नहीं मिल रहा है आपको क्या? काम बहुत है। फिर काम क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्यों नहीं करते? जब काम बहुत है, काम मिल रहा है तो करते क्यों नहीं है? महाराज जब शरीर नहीं गवाही करेगा तो कैसे करूंगा? तो शरीर नहीं चल रहा है? चल रहा है हाँ, लेकिन थोड़ा देर तक चलता हूँ तो पूरे शरीर हाँफने लगता हूँ, पूरी तरह से सांस फूलने लगती है। अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ा योग। इससे पहले मैंने बोला, घरों से भी बोला था कि मानसिक रोग दिमाग का थोड़ा दबाव कराने। कथा सुनते हो? मोबाइल ड्यूटी में हमेशा सुनता रहता हूँ। कथाएं सुनते रहोगे और थोड़ा योग किया करो, सवेरे अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित कर लिए। ठीक है गुरु जी, अंकुरित चने करके खाओ, ये सब चीजें खाओ, ठीक है। चलो अब सिगरेट वाले भैया से बात करो। थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दे दीजिए। कौन है ये आपके भाई? हैं हम ससुराल से, इन्हीं को लेकर जबरी आए सत्संग। अब भैया तुम ध्यान से ना खाओ पियो, थोड़ा चने खवाओ इनको। खाली सत्संग से जोड़ने के लिए आए हैं सब लोग। कथा सुना करो, कथा सुनोगे तो जो भूत ऊत होंगे सब निकल के भाग जाएंगे। बस यही, मम्मी को भी बाबा सबको थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं घर परिवार, इनसे थोड़ा सा करेंगे तो ठीक रहेंगे, हो जाएगा।
अब करेंगे, कथा सुनेंगे, खाओ पियो बढ़िया तो ठीक हो जाएंगे उनको।